हेलो फ्रेंड्स, भारत भूषण एडवोकेट। हम डिस्कस कर रहे हैं जो नए जीएसटी रेट्स आए हैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए 1 अप्रैल 2019 में। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किए कि नए जीएसटी रेट्स हैं क्या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, दूसरे में किया कि क्या नई कंडीशंस हैं इन नए रेट्स के साथ, तीसरे पार्ट में हमने डिस्कस किया ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स क्या है। अब इस चौथे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट पर क्या इम्प्लीकेशन है। 1 अप्रैल 2009 से पहले रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स पर या कमर्शियल अपार्टमेंट्स पर जीएसटी रेट 12% था इफेक्टिव, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था। 1 अप्रैल 2019 के बाद टैक्स रेट 5% हो गया रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स अदर देन अफोर्डेबल, और अफोर्डेबल पर 1% हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट है नहीं। उन प्रोजेक्ट्स में जिन पर हम पहले 12% टैक्स दे रहे थे और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल थे, उस टाइम हम इनपुट सर्विसेज और इनपुट्स पर क्रेडिट भी ले रहे थे, अब हम उस पर जीएसटी देंगे 5% और टैक्स के लिए एलिजिबल नहीं है। जितने पोर्शन पर उस प्रोजेक्ट में मान लीजिए आधा काम हुआ है, हमें आधा जो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आधा उस प्रोजेक्ट में जो टोटल आना था उसका आधा आ गया है, तो आइडियली हमें जो पुराने रेट पर जितना हम क्रेडिट क्योंकि ले चुके हैं हमें आधा ही टैक्स दिया हुआ होना चाहिए। इसको दूसरे टर्म्स में समझते हैं, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट में हमें टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट एस्टिमेट करते हैं 100 करोड़ रुपए आना है, 31 मार्च तक 2019 तक मान लीजिए उस पे आधा इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें आ चुका है, सप्लाईज हमारी रिसीव हो चुकी है विद इनपुट टैक्स क्रेडिट 50 करोड़ रुपए। तो 31 मार्च से पहले जिस पोर्शन पर हम टैक्स विद इनपुट टैक्स क्रेडिट के रेट का 12% देंगे, तो जो वैल्यू मेरे को टोटल रियलाइज होनी है उसके आधी वैल्यू पर टैक्स भी मैंने 31 मार्च से पहले दे दिया होना चाहिए। अगर टैक्स मैंने उस आधे से कम पर दिया है और बाकी जो तो डिफरेंशियल जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोपोर्शनेट मेरा पहले आ गया है उसको मुझे रिवर्स करना है, और अगर मेरे पास बैलेंस में नहीं है तो मुझे पे करना है। इसके दूसरे तरह से बात करते हैं कि टैक्स मैंने आधे से ज्यादा वैल्यू पर दे दिया है लेकिन अभी मेरे प्रोजेक्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट आया नहीं है, अब हायर रेट पे टैक्स में ज्यादा प्रोपोर्शन में दे चुका हूं लेकिन उसके बदले में मुझे क्रेडिट उतना नहीं आया है, अब मैं क्योंकि लोअर रेट विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट स्कीम में चला गया हूं अब मुझे क्रेडिट मिलता नहीं है, लेकिन जिस प्रोपोर्शन में मैं टैक्स ऑलरेडी दे चुका हूं हायर रेट पर उस प्रोपोर्शन में मुझे क्रेडिट भी मिलना चाहिए, तो उसका जो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट जो अदरवाइज मुझे एलिजिबल नहीं है वो भी मिलेगा। इन्हीं प्रोविजंस को जो नोटिफिकेशन में समझा डिटेल में प्रोविजंस है एक बार उसको पढ़ लेते हैं, प्रिंसिपल जो यही है। कैलकुलेशंस भी इस नोटिफिकेशन में बड़ी डिटेल में कैलकुलेशन दी हुई है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे कैलकुलेट होगा, वो इस वीडियो मोड में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, आप उन कैलकुलेशंस को उस नोटिफिकेशन से पढ़ ले। अदरवाइज मैं जल्द ही इस जो अपनी डिस्कशन है नए टैक्स रेट आए हैं इसके ऊपर एक ई बुक लिखने की कोशिश कर रहा हूं, जो बाय 15 अप्रैल मेरी वेबसाइट पर कोशिश करूंगा अवेलेबल हो जाए। मेरी वेबसाइट का एड्रेस है www.gstmantra.in, उस पर फ्री में वो अवेलेबल होगी विदाउट एनी चार्ज, वहां से आप उन एग्जाम्पल्स को उस कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि नोटिफिकेशन में उसको किस तरह से कैटेगराइज किया है प्रिंसिपल को। इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल पोर्शन इन ए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अदर देन रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विच हैज टाइम ऑफ सप्लाई ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019, टाइम ऑफ सप्लाई जिसका बाद में है, शैल बी कैलकुलेटेड प्रोजेक्ट वाइज। टाइम ऑफ सप्लाई मतलब जो बाद में उसके ऊपर पेमेंट आएंगी सारे प्रोजेक्ट वाइज कैलकुलेट करना है, जो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019 के बाद शुरू हो रहा है
तो हमने नेचुरली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, 1 अप्रैल के बाद शुरू हो रहा है, तो हमने टैक्स उस पर 5% या 1% वही देना है, और वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट जिस पर हमने 8 और 12% देना के नहीं किया, तो टाइम ऑफ सप्लाई जिसका बाद में है, क्योंकि 8 और 12% पर देने के जब ऑप्ट कर लेते हैं तो उस प्रोजेक्ट का हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल थे, बाद में भी है, खाली उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर जिन पर हम पहले एलिजिबल नहीं थे, सॉरी पहले एलिजिबल थे अब एलिजिबल नहीं है, उनका हमने प्रोजेक्ट वाइज करना है एट्रीब्यूटेबल टू फर्स्ट जो टाइम ऑफ सप्लाई जिसका 1 अप्रैल 2019 से है। आगे डिस्कस करते हैं, जहां पर कंप्लीशन जो है 31 मार्च से पहले कुछ काम हो गया है, जीरो नहीं है और इन्वेंट्री भी है, इन्वेंट्री भी है तो क्या करेंगे, वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज एट्रीब्यूटेबल टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल पोर्शन इन ए आरईपी विच एज टाइम ऑफ सप्लाई ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019 इज पॉजिटिव। पॉजिटिव है मतलब टाइम ऑफ सप्लाई उसके प्रोपोर्शन में जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे पास 31 मार्च तक आया है उसके प्रोपोर्शन में मैंने टैक्स पहले नहीं दिया है, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई बाद में आने वाला है, अब टैक्स मैं लोअर रेट पर दूंगा, तो वो मुझे पे बैक करना है। पे बैक कब करना है, सितंबर 2019 के रिटर्न से पहले, लेकिन ये बहुत ह्यूज अमाउंट हो सकती है। इसके लिए एक इंस्टॉलमेंट्स की स्कीम भी दे दी है कि आप कमिश्नर को अप्लाई कर सकते हैं, और कमिश्नर चाहे तो आपको 24 महीने मंथली इंस्टॉलमेंट्स तक बना सकता है इसमें। ये पॉजिटिव है मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे पास ज्यादा आ गया है, उसके प्रोपोर्शन में मैं टैक्स लो आयर रेट पर दिया नहीं है तो मुझे टैक्स देना है। लेकिन नेगेटिव है मींस पहले मैंने टैक्स ज्यादा दे रखा है, मेरे पास टाइम ऑफ सप्लाई उस प्रोपोर्शन में 31 मार्च से पहले ज्यादा थी, तो ऐसे में मैं अदरवाइज क्योंकि अब नई स्कीम में जा रहा हूं, 5% क्रेडिट एडमिसिबल नहीं है बाप जो मेरे पास इनपुट और इनपुट सर्विसेज आएंगे, लेकिन क्योंकि मैंने ऑलरेडी टैक्स ज्यादा दे चुका हूं प्रोपोर्शन में, तो मैं एलिजिबल होगा। डिटेल कैलकुलेशन जैसा मैंने आपको कहा वो नोटिफिकेशन से आप कर सकते हैं या मेरी ई बुक से हेल्प ले सकते हैं। हाँ, जहां पर 31 मार्च तक कंप्लीशन कुछ भी नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, मेरे पास कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं है, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई मेरा 31 मार्च से पहले था, 31 मार्च से पहले था तो मैंने टैक्स हायर रेट पर दिया, लेकिन उसके बदले में मुझे कोई क्रेडिट मिला नहीं, तो जो 31 मार्च से पहले जो मैंने जिस वैल्यू पर टैक्स दे दिया उसके एट्रीब्यूटेबल जो टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल के बाद आएगा, चाहे मैं 5% या 1% टैक्स दूंगा इसके बाद तो एलिजिबल नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मैंने जिस प्रोपोर्शन में पहले टैक्स दे रखा है उस प्रोपोर्शन में मैं क्रेडिट के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। अगली कैटेगरी इन्होंने बनाई है इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल पोर्शन इन ए रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विच एज टाइम ऑफ सप्लाई ओन आर आफ्टर 1 अप्रैल 2009 शेल बी फॉर ऑल विच कमेंसेज ओन आर आफ्टर, जो बाद में कमेंस होंगे 1 अप्रैल के बाद, और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जिस पर हमने 8 से 12% पर टैक्स देने की बात नहीं की है, पहले जैसा ही है, थोड़ी सी फर्क है, आगे देखते क्या है। जहां पर वो पहले रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, अब रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, बात बिल्कुल वही है, आरईपीओ चाहे आरआरईपीओ प्रिंसिपल वही है। इनके नोटिफिकेशन में दो कैटेगरीज थी, अगर टैक्स पहले ज्यादा दे रखा है तो उस प्रोपोर्शन में मुझे अभी भी क्रेडिट मिलेगा, टैक्स पीछे कम है और क्रेडिट ज्यादा है तो मुझे क्रेडिट रिवर्स करना है और कैश में पे बैक करना है, बिल्कुल यही चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। थैंक यू, थैंक्स ए लोग। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स। थैंक्स फॉर स्पेरिंग योर वैल्यूएबल टाइम, कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं।